आने वाला है, ये टांग टूटी हुई है। इसके साथ हम लोग ये पकौड़ी खाएंगे और ये मस्त चाय पियेंगे। पावर ऑफ। लो अब चिल्लाते रहो गाते रहो। बंद कर दिया मैंने स्पीकर वहां वो। हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय श्री राम। आज घर के सारे काम हो गए हैं, बर्तन हो गया है पूरा, किचन थोड़ा सा क्लीन कर दिया है, प्लस इधर के जो इसके टॉय वॉय फैलाए थे इसने रात में तो पूरा क्लीन कर दिया है, और साथ ही साथ कपड़े भी हो गए हैं सब। बैग जो है कॉर्नर में रख दिया, बेड सही कर दिया है। अब चलता हूँ। ये बाबू सुबह सुबह उठा, उसने बोला पपाया खाना, पपाया खाना, तो उसके लिए मैं फटाफट, ये हेल्दी है सुबह, तो सुबह सुबह उसके लिए पपाया काट देता हूँ। बाकी सारे फ्रूट्स उठा के वो नीचे रख दिया है। बनाना खाना होगा तो बनाना, एप्पल खाना होगा तो एप्पल वो खा लेगा। अभी मैं फटाफट इसके लिए पपाया काट देता हूँ। अवंतिका का भी जैसे आप जानते हो उसका पैर में मोच है या फ्रैक्चर है, वो अभी तक पता नहीं चला है, बट काफ़ी पेन हो रहा है। उसको मैंने गर्म पानी दे दिया है, वाटर उसमें सॉल्ट डाल के, तो वो थोड़ी देर लेके ऐसे बैठी है। तब तक मैं ये पपाया काट लेता हूँ, इसको खिलाता हूँ, फिर जब वो ब्रश करती है तब तक मैं कुछ नाश्ते की तैयारी करता हूँ, कुछ हेल्दी और अच्छा उसको खिलाता हूँ ताकि एनर्जी बनी रहे। लेकिन चलो करते हैं दिन की अच्छी शुरुआत। सो रेडी हो गया बाबू के पपाया के साथ साथ हम लोगों ने सोचा अपना भी कुछ हल्का हेल्दी नाश्ता कर लें, उसके बाद फिर चाय बनाएंगे बाद में। तो बाबू आ गया तो अभी असॉर्टेड उसको फ्रूट मिल गया, तो जो मन कर रहा वो उठा के खा रहा, और साथ में ही वो अपने आप ये बुक उठा लिया और बुक को पढ़ रहा है। कितना अच्छा बच्चा है। पहले फोक से बनाना खाया एक, फिर पपाया खाया, अभी एप्पल खा रहा है। गुड गुड। तो ये कौन फिनिश करेगा पूरा? मेरा। ये बाबू का है पूरा? वेरी गुड, ये बाबू को पूरा फिनिश करना है। जो अगर बच गया तो मम्मा और डैडी खाएंगे। ठीक है ठीक है, खा लो, पढ़ाई करो और खा लो। ओके भाई, फ्रूट्स तो खा लिया, लेकिन फ्रूट्स कितनी देर रुकता है? तो सुबह के लिए खाली पेट के लिए अच्छा है फ्रूट खा लिया, लेकिन वो आधे घंटे एक घंटे के बाद फिर से भूख लगने लगती है। तो फ्रूट खा लिया, आधे घंटे हो गए हैं, भूख स्टार्ट हो गई फिर से लगना। तो आज क्या है, आज वीकेंड है, तो आज हमको अच्छा नाश्ता बनाने जा रहे हैं। बाहर नहीं जा सकते, हम लोग का एक रिचुअल था। रिचुअल क्या कि वीकेंड में हम लोग बाहर ब्रेकफास्ट करने जाते थे फैमिली, बट क्योंकि अवंतिका के पैर में चोट लगी है तो हम लोग जा नहीं सकते हैं, तो घर पे ही प्लान किया है कुछ बनाने का। आज प्याज की और आलू के बनाए जा रहे हैं पकौड़े। चाय के साथ पकौड़े खाएंगे फैमिली के साथ, बहुत मजा आएगा। तो चलिए मैं अपना एक प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। यूज ऑयल था तो छान लिया, ये इतना सारा वो जो पहले के आइटम थे वो निकले, तो इसको भी हटा देता हूँ। छान लिया, अच्छा किया। अभी से फूलने लग रहा है, धीरे आंच पे पका रहा हूँ, और जैसा कलर सोचा था वैसे कलर आ रहा है और फूल भी रहा है। बस नमक सही हो, नमक नहीं भी सही होगा तो बाद में ऊपर से काला नमक डाल लेंगे और उसको चटनी के साथ सॉस के साथ खाएंगे। सबसे पहले मैं इसे टेस्ट करूंगा कैसा है, बड़ा क्रिस्पी लग रहा है और कलर भी बहुत अच्छा आया है, बस पकने से देखना है पक गया है कि नहीं, उस हिसाब से फिर मैं नेक्स्ट लॉट का वैसे करूंगा। बहुत अच्छा है, पक गया, ऐसे बनाता हूँ। मास्ट पकौड़ी पूरी रेडी है, ये बाबू की छोटी प्लेट है, मैं बना ही रहा था तभी वो लेने आ गया था। ये जो ये दिख रही है भरी भरी दिख रही है, लेकिन इससे और भरा भरा था, ये तीन चार बार ले गया और मस्त ये खाया, इसको काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन अभी इतना इतना हम लोग के लिए बहुत है, इनफ है। और चाय सुबह सुबह मज़ा आने वाला है, ये टांग टूटी हुई है। इसके साथ हम लोग ये पकौड़ी खाएंगे और ये मस्त चाय पियेंगे। तो भाई भूख बहुत तेज लगी है, चाय एंजॉय करते हैं, फिर आपसे एक बार फिर से और बात करते हैं। लंच में मस्त भिंडी की सब्जी और रोटी बनाई, क्योंकि बाबू को भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है, वो खा रहा है। वो क्या टाइम हो रहा है, इट्स 1:30 पर हम लंच कर रहे हैं, फिर 3:30 बजे करीब कुछ हल्का सा स्नैक्स बनाऊंगा, बढ़िया वीकेंड में खाते पीते गुजरेगा। ये क्या है, खेलने की चीज़ है, और ये खाने वाली चीज़ जो अभी थोड़ा खाए हो, थोड़ा और भी तो बचा है, उसके ऊपर क्यों डाल रहे हो तुम सारा यार, उसके ऊपर ना डालो। ये सारा इनका जो टॉय है, ये जो भी है क्या है, ब्लॉक्स, ये सारे ब्लॉक्स वो अलमीरा के ऊपर फेंक रहे हैं, तो कुछ कॉर्नर में चला जा रहा है, कुछ पीछे चला रहा है, मिलेगा नहीं बेटा।
फिर बाद में जब तुम ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं। चलो रोटी पिंडी, ओनली वाइट रोटी, बिल्कुल नहीं खाओगे, ओनली वाइट रोटी। अच्छा एक बार लो वाइट रोटी, नहीं पेट पेट भर गया क्योंकि एक रोटी ये खा, पेट भर गया क्योंकि ये एक रोटी ये खा चुका है अभी। तब जब बाद में भूख लगेगी तो काफ़ी चीज़ें हैं स्नैक्स में, इसके हेल्दी स्नैक्स में, वो इसको खिलाएंगे बाद में। हटे, हाँ मैं इसकी जगह पे बैठा हूँ, मैं साइड हो जाऊँ, साइड हो जाता हूँ। हाँ अभी मैं साइड हो, क्या करोगे तुम, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे यार फेंक, ये देखो ये कैसे फेंक रहा है, ऐसे फेंक रहा है, शैतानी मानते ही नहीं है यार ये लोग। क्या ऑफ कर दो, लाओ मैं घुमाता हूँ, कुछ सही सही सॉन्ग सुना यार को, लाओ हैं हाँ नहीं वो सुनाओ, बजरंग बली का, हनुमान जी का कौन सा आता है, हनुमान जी का कौन सा आता है, हनुमान चालीसा सुनाओ, हनुमान चालीसा रिकॉर्ड कर रहे बेटा, रिकॉर्ड कर रहे, इधर आओ हनुमान चालीसा, मैं ये बंद कर दूंगा, मैं ये बंद कर दूंगा, इधर आओ हनुमान चालीसा सुनाओ। अच्छा कोई सॉन्ग सुनाओ, दूसरा ही सॉन्ग सुनाओ। पावर ऑफ, लो अब चिल्लाते रहो गाते रहो। बंद कर दिया मैंने स्पीकर, वहाँ वो ना गा रहा था ना कुछ, वो कर रहा था, स्पीकर मैंने बंद किया, उसने माइक वहाँ पे फेंक दिया और वहीं लेट के रोने लगा। तो अभी खुद ही रोने दो, जितना भाव दोगे उतने ही वो सर पे चलेंगे, तो खुद रोने दो। आज कोई नहीं जाएगा उठा रहे तो कल भी इसको लगेगा रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई उठाता नहीं है, तो उसको अभी थोड़ी देर रोने देते हैं, हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर आराम करते हैं। मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री राम।